नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम GBT का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में है? आपके पास ऑप्शन है पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार और शिवालिक। इसमें कुछ टिक लगाए गए हैं, इस पर आप ध्यान ना दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ आपको उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ से मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला है उन्होंने इस पर पहले ही टिक लगा के रखे थे। तो बात करते हैं प्रश्न की, बात हो रही है इंद्रहार की। जो इंद्रहार है, सबसे पहले समझते हैं कि इंद्रहार हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए चंबा में। जो इंद्रहार है ये क्या है? इंद्रहार एक दर्रा है जो आपके कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। जो भरमौर क्षेत्र पड़ता है ये आपका चंबा में पड़ता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सोचना चाहिए कि जो इंद्रहार है इसका ज़्यादातर क्षेत्र आपका कांगड़ा क्षेत्र में पड़ता है और थोड़ा सा क्षेत्र इसका भरमौर के साथ लगता है, बोले तो चंबा के साथ लगता है। तो जब हम इंद्रहार की बात करते हैं और कांगड़ा वाले क्षेत्र की बात करते हैं, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि जो कांगड़ा में हमारा एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम धौलाधार पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, धौलाधार। पर जब हम धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को हम सफ़ेद चोटी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला को हम मोलाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जब जब हम धौलाधार की बात करते हैं तब तब हमें कांगड़ा क्षेत्र याद आना चाहिए। सीधा मतलब ये है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला का उद्गम कांगड़ा क्षेत्र से होता है। हम यूं भी कह सकते हैं, जिस प्रकार पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का उद्गम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से होता है, ठीक उसी प्रकार धौलाधार पर्वत श्रृंखला का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से होता है। धौलाधार से संबंधी हमें दो तीन तथ्य इम्पॉर्टेंट है जो हमें आने चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ कटती है और कौन सी नदी काटती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए लारजी नामक स्थान पर कटती है और ब्यास नदी काटती है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि शिमला जिले में जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है यह कहाँ तक फैली हुई है, इसको कौन सी नदी काटती है और कहाँ पर कटती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होना चाहिए रामपुर नामक स्थान पर जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको सतलुज नदी काटती है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है यह चंबा के पांगी तक फैली हुई है और उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक फैली हुई है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला है जिस प्रकार इसको मोलाक पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है इसको हम मानक पर्वत के नाम से जानते हैं या मैनाक पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊँ, जिस प्रकार आप यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर चार पर्वत श्रृंखलाएँ देख रहे हैं, जैसे पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार और शिवालिक, अगर हम इनको बढ़ते क्रम में लगाएं, सीधा मतलब है कि छोटे से ऊपर की ओर लगाएं, तो सबसे जो निचली पर्वत श्रृंखला है उसको हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहेंगे, तत्पश्चात धौलाधार पर्वत श्रृंखला, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम पीर पंजाल का नाम लेना चाहेंगे, अंत में अगर हम बात करते हैं तो जास्कर का नाम होना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने इस प्रश्न को अभी तक दक्षिण से उत्तर की ओर सजाया, जैसे शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल और जास्कर। इस प्रश्न से संबंधी हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टोंस नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है यमुना, ब्यास, चेनाब और रावी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यमुना। सबसे पहले समझते हैं कि जो टोंस नदी है ना, कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जो डोडरा क्वार है वो किस नदी के किनारे हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए टोंस नदी के किनारे। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो टोंस नदी है ये आपके उत्तराखंड से निकलती है। और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि टोंस नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको उत्तर देना है रूपीन नदी और पब्बर नदी, आंध्रा नदी, पटसन नदी इत्यादि। ये तो बात हो रही है टोंस नदी की सहायक नदियों की। और अब प्रश्न बनता है कि जो टोंस नदी है ये खुद किसकी सहायक नदी है, तो आपने उत्तर देना है यमुना की सहायक नदी।
अगले प्रश्न की ओर करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा। देखो यहाँ पर मैं जितना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ ये तो ठीक बात है, पर अगर आप मेरे साथ क्लास में बेसिक से एडवांस पढ़ना चाहेंगे और बहुत उम्दा तरीके से पढ़ना चाहेंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहेंगे, तो दिए गए नंबर पर आप हेलो का मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। उसके बाद आपको दो डेमो क्लासेस भी दी जाएगी। तत्पश्चात आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू क्लास में रहना है या नहीं। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। द लेडी ऑफ केलोंग है एक स्थानीय हस्तकला, लोक नृत्य, पर्वत शिखर या हिमनद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्लेशियर बोले तो हिमनद। अब बात करते हैं लेडी ऑफ केलोंग की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लेडी ऑफ केलोंग है ये कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। तो आपका उत्तर होना चाहिए लाहौल स्पीति में, है ना, जिसके आप केलोंग से आप रिलेट कर पा रहे हो कि केलोंग कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। तो आप यूँ जान सकते हैं कि जो लेडी ऑफ केलोंग है ये भी आपका कहाँ है, लाहौल स्पीति में है, और जो लेडी ऑफ केलोंग है ये ग्लेशियर है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर की आकृति किस की तरह है और कैसा दिखता है, तो आप उत्तर में दे सकते हो कि यह ग्लेशियर आपका झुकी हुई औरत की तरह दिखाई देता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो लेडी ऑफ केलोंग है यह कौन सी घाटी में स्थित है, तो आप कह सकते हो कि यह जो ग्लेशियर है ये आपका भागा घाटी में स्थित है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जो द लेडी ऑफ केलोंग है इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग किसने रखा, तो आपका उत्तर होना चाहिए अंग्रेजी महिला एलशिंदे ने। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बना निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा मृदा भरण बांध है। इस प्रश्न में बात हो रही है हाईएस्ट अर्थ फिल डैम की बात हो रही है, ठीक है ना, जो आपका ब्यास नदी पर है। सबसे पहले तो ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा डैम इनमें से कहां पर स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है। बात करते हैं पंडोर डैम की। जो पंडोर डैम है ये ब्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा कृत्रिम डैम है या कृत्रिम झील है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सागर झील की। जो गुरु गोविंद सागर झील है ये आपका बिलासपुर में है। ये जो गुरु गोविंद सागर झील है ये आपकी सतलुज नदी पर बनी हुई है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जो आपका ऑप्शन बी है ये तो उत्तर नहीं होगा और डी ये भी उत्तर नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं ए और सी। ए में आपका पोंग डैम है और सी में आपका पंडोर डैम है। अब बात करते हैं पोंग डैम की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोंग डैम। जो पोंग डैम है ये आपका ब्यास नदी पर है और ये आपका कांगड़ा में स्थित है। कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि जो पोंग डैम है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए महाराणा प्रताप के नाम से। जो पोंग झील है या पोंग डैम है इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश में। आपने मुझे बताना है कि कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया और कब किया गया, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जब हम पोंग की याद करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए पोंग नाम का एक वन्यजीव अभयारण्य भी है और पोंग नाम की एक झील है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पोंग नाम का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 396 मेगावाट है और जिसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी BBMB है। एग्जाम की दृष्टिकोण से ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको अभी तक बताए। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेचू तुआन नाला वन्य जीव अभयारण्य है। आपके पास ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, ऊना और चंबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंबा। जब हमें चंबा का सेचू तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य याद आता है तो ठीक उसी प्रकार हमें तीन और वन्यजीव अभयारण्य याद आने चाहिए जो चंबा में स्थित है, जैसे गंगुल वन्यजीव अभयारण्य, कुगती वन्यजीव अभयारण्य और तुंडा वन्यजीव अभयारण्य। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य का, जो चंबा के खजियार में स्थित है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब कृषि का कोई क्षेत्र नहीं आता।
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज नो एरिया अंडर एप्पल कल्टीवेशन, मतलब कि कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन देखते हैं, कुल्लू, शिमला, सोलन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिमला की। जो शिमला है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में सेब पाया जाता है, ये तो उत्तर नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आपका कुल्लू स्थान रखता है सेब के क्षेत्र में, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोलन। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब शिमला ज़िले में होता है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे पहले शिमला में सेब किसने लगाए थे। तो आपका उत्तर होना चाहिए अलेक्जेंडर कोल्ट ने। ये कब की कहानी है, ये 1887 की कहानी है। शिमला के कौन सी जगह पर लगाए थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए मशोबरा में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो सैमुअल इवान स्टॉक के बारे में पढ़ा है, जिसने कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब लगाए थे। ये कहानी है 1918 की। अंत में बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कुल्लू की। जो कुल्लू है, ये दूसरा स्थान रखता है हिमाचल प्रदेश में सेब के क्षेत्र में। तो अब प्रश्न बनता है कि कुल्लू में सबसे पहले सेब किसने लगाए थे और कौन सी जगह पर लगाए थे। तो आपका उत्तर होना चाहिए आरसी ली ने लगाए थे, और 1870 में लगाए थे। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जो आरसी ली ने 1870 में कुल्लू के बंदरोल नामक स्थान पर सेब लगाए थे, वो कौन से किस्म के सेब थे। तो आपने उत्तर देना है ब्रिटिश किस्म के सेब थे। आशा करता हूं कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक और एक बार सब्सक्राइब करना भी तो बनता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की रचना किस वर्ष हुई थी। सीधा मतलब ये है कि जो बिजली बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 1975, 1978, 1983 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पर अब प्रश्न उठता है कि बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो हमें पता होना चाहिए 1 सितंबर 1971 को बिजली बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं ऑप्शन की, ताकि प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं ऑप्शन बी, 1978 की। 1978 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब प्रश्न बनता है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश में, युवक कौन से जिले में है और कहां पर है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए कांगड़ा जिले के पालमपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। पर यहाँ पर हमें एक बात और भी पता होना चाहिए, इस विश्वविद्यालय को श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वाईएस परमार बोले तो नौणी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है। आप पास ऑप्शन है 90 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 103 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 96 किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान देना है, जिस प्रकार आपको कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई का पता चला, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, ठीक उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में दो और भी रेलवे लाइन्स हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे पठानकोट से जोगिंद्रनगर, जिसकी लंबाई 113 किलोमीटर है। और अंत में बात करते हैं ऊना नंगल चिरडू की, जिसकी लंबाई 33 किलोमीटर है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, कांगड़ा के किस कटोच वंशीय शासक ने सुजानपुर टीरा की स्थापना की थी। आपस ऑप्शन है हमीरचंद, संसारचंद, अभयचंद और घमंडचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभयचंद। ध्यान देना है, यहाँ पर सुजानपुर टीरा की स्थापना कांगड़ा के राजा अभयचंद ने की थी, और जो घमंडचंद है, अंतिम ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन में, घमंडचंद ने सुजानपुर शहर की स्थापना की थी। और इसके साथ हमें ऑप्शन बी की ओर जाना चाहिए, और इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे संसार चंद दिया है, जो संसार चंद है, इसने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया था। इस प्रकार आपको पता चला अभयचंद ने सुजानपुर टीरा की स्थापना की थी, और घमंडचंद ने सुजानपुर शहर की स्थापना की थी, और संसार चंद ने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया था। अंत में बात करते हैं ऑप्शन ए, हमीरचंद की। जो हमीरचंद है, इन्होंने हमीरपुर शहर की स्थापना की थी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए विख्यात है। आपस ऑप्शन है नग्गर, बजौरा, मलाना और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मलाना।
जब हम मलाना की बात करते हैं तो मलाना से संबंधी हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जो मलाना है, यहाँ पर एक जमलू देवते का मंदिर भी है, और मलाना से संबंधी हमें ये भी पता होना चाहिए कि मलाना में एक मलाना नाम की खड्ड भी है, और अंत में हमें ये भी पता होना चाहिए उस खड्ड में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो मलाना के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी दो स्टेजेस है। स्टेज 186 मेगावाट की है और स्टेज 200 मेगावाट की है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ज्वालामुखी, बगलामुखी, चिंतपूर्णी और ब्रजेश्वरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिंतपूर्णी। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जो चिंतपूर्णी मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है, ज्यादातर लोग इसका उत्तर कांगड़ा करके आते हैं, पर इसका उत्तर होना चाहिए ऊना, क्योंकि जो चिन्मस्तिका बोले तो चिंतपूर्णी मंदिर है ये ऊना में स्थित है। इसके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी मैंने तथ्य बताएंगे सभी महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि इस JVT क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।